हाय एवरीवन, मैं हूं धनंजय। आज के डेट में जितना फील्ड यूनाइटेड नेशंस है, उतना ही फील्ड हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या इनके जैसे और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस तभी स्ट्रांग है जब सामने वाले देश के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो और साथ ही वो देश कमजोर हो। उसके बाद इन सारे प्लेटफॉर्म्स का कुछ देश सबसे अधिक बेनिफिट उठाए हैं। उन सब में सबसे ऊपर है US, जिसके लिए क्या सही है क्या गलत है ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उस एक्शन से US को कितना बेनिफिट पहुंचता है या पहुंचने के चांसेस बनते हैं। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से US इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मिसयूज करता है, या यूं कह लें कि समय दर समय अपने हिपोक्रेसी को दिखाते रहता है। उसके पहले थोड़ा सा हम पास्ट में जाते हैं और हम समझते हैं कि किस तरीके से US ने 9/11 अटैक को एक बहुत ही इमोशनल तरीके से इस पूरे इंसिडेंट को ढाला था, जहां पे ग्लोबली इस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि ये पूरे दुनिया को एक ग्लोबल थ्रेट है और उस थ्रेट को निपटाना बेहद जरूरी है, जिसके तहत बहुत हद तक US पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर देता है। और आज के डेट में अगर आप वेरीफाई करना चाहे इन्फॉर्मेशन, तो ये कोई भी वेरीफाई कर लेगा कि मिडिल ईस्ट में शायद ही कोई ऐसे देश होंगे जहां पे US का मिलिट्री बेस नहीं होगा। अगर US का मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट में या किसी भी स्पेसिफिक रीजन में होता है, तो इसका मतलब होता है कि US का वहां पे डोमिनेंस है। और उसके बाद अगर आप 9/11 में कितने लोग मारे गए थे अगर आप इसको जानना चाहेंगे, तो यहां पे कुछ लगभग 3000 लोग मारे गए थे, जिसमें से जो सबसे अधिक नंबर था वो US के सिटीजन्स थे और कुछ फॉरेनर्स भी थे। उस अटैक के बदले US और नेटो फोर्सेस 4.5 मिलियन लोगों की जान लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ध्यान रखें, ये कुछ रिपोर्टेड डेटास हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कभी रिपोर्ट ही नहीं होते या उसे अंडर रिपोर्ट किया जाता है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसी टाइम पे ओसामा बिन लादेन या अलकायदा या इनके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को US सपोर्ट किया था और एज एन प्रॉक्सी यूज करता था USSR के खिलाफ, और इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत हद तक पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती थी। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से US अपने मिडिल ईस्ट में बेस बनाने के लिए कम से कम 4.5 मिलियन लोगों की जान लेता है और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होता है। उसी बीच अगर हम आज के इंसिडेंट को कोट करना चाहें, तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरीके से हमास ने इसराइल पे अटैक किया था वो तरीका गलत था। लेकिन हमें यह भी जानना है कि किस तरीके से इसराइल एज एन कंट्री को पैलेस्टीन के जमीन पे इस्टेब्लिश किया जाता है, और उसके बाद ये वही इसराइल है जो हमास को किसी टाइम पे सपोर्ट किया था पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के खिलाफ में। क्यों? क्योंकि बहुत हद तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो लीडर्स थे वो ये मान बैठे थे या वो मानना चाहते थे कि इसराइल और पैलेस्टीन का जो सोल्यूशन है वो टू स्टेट सोल्यूशन ही फाइनल है। जहां पे कुछ ऐसे लोग थे जो पैलेस्टीन में थे और साथ में इसराइल में भी थे, जो ये कभी नहीं चाहते थे कि पैलेस्टीन और इसराइल का जो मसला है वो खत्म हो। क्योंकि जिस चीज को आज के डेट में हम कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं या टेररिज्म समझते हैं, ये सारे चीज कुछ लोगों के लिए एक बिजनेस होता है और वहां से वो पैसे जनरेट करते हैं, और साथ में अपना वर्चस्व जमाने के लिए भी उनको वो सारे मौके काफी परफेक्ट दिखते हैं। इसी बीच चाहे यूनाइटेड नेशंस हो गया या अलग अलग ह्यूमन राइट कमीशंस हो गए या बॉडी हो गए, वो मल्टीपल टाइम ये बोले हैं कि जिस तरीके से गजा में इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है कंप्लीट तरीके से वो अनएक्सेप्टेबल है, और पूरा का पूरा जो गजा है वो एक डेथ जोन बन गया है। 7 अक्टूबर को लगभग कुछ 1200 इसराइली की जान जाती है और कुछ 250 के आसपास को हॉस्टेज बनाया जाता है। उन सब के बदले में इसराइल इनोसेंट लोगों को गजा में चुन चुन के मार रहा, जो कि हम कह सकते हैं कि आज के डेट में जो कम से कम जो गजा में लोग मारे गए हैं वो 40,000 मारे गए हैं और लगभग 20,00,000 से भी अधिक लोग अपने घर से बेघर हुए हैं। एज एन इंडियन, आप चाहे पैलेस्टीन को सपोर्ट करें या आप इसराइल को सपोर्ट करें, लेकिन एटलीस्ट ये सारे जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसे पढ़ें और एनालाइज करें कि किस तरीके से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे चाहे वो US हो गया या उनके फ्रेंडली कंट्रीज हो गए, वो पावर का मिसयूज करते हैं। इसी महीने के 20 तारीख को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू और साथ में वहां के डिफेंस मिनिस्टर योआब गैलेंट, साथ में 3 हमास के लीडर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालता है, जिसमें कि बढ़ चढ़कर जो एक देश सबसे अधिक क्रिटिसाइज करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, वो रहता है US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो कंप्लीट तरीके से ये मानने को तैयार नहीं है कि गजा में ह्यूमन राइट क्राइसिस हो रखा है और बेंजामिन नेतन्याहू एक कंप्लीट तरीके से जेनोसाइड कर रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है ना कि मीडिया में इस तरीके से प्रोपेगेंडा को रन किया जाता है कि आप कुछ भी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कहते हैं, या कोई ऐसा पर्सन होता है जो ज्यूइश रिलीजन को फॉलो करता है और अगर आप उसके एक्शन को डिस्करेज करते हैं तो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा दिया जाता है कि आप एंटी ज्यूइश हैं, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एडोल्फ हिटलर ने ज्यूइश के साथ जेनोसाइड किया था उस रेफरेंस को बार बार ये इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उस टाइम पीरियड में जाना चाहें, तो जब ब्रिटिशर्स भारत में थे तो कम से कम 165 मिलियन इंडियन लोग ब्रिटिशर्स के द्वारा मारे गए थे, लेकिन इस चीज के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। और वहीं पे इसराइल हर साल
हॉलोकॉस्ट डे मनाता है, जहां पे बढ़ चढ़कर यूएस उनको सपोर्ट करता है। यूएस में प्राइमरीली दो ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक डेमोक्रेट है, दूसरा रिपब्लिक है, और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का इनको सपोर्ट मिलता है, वो भी इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता है कि वो लोग ये मानते ही नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू आज के डेट में जेनोसाइड कर रहे हैं और उसे जल्द से जल्द रोकना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी ठहराना चाहिए। अगर आप सिंपली इसी आर्टिकल को रेफर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अकाउंटेबिलिटी बात तो बहुत दूर की है। इनफैक्ट जो बाइडेन ये धमकी देते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। अब ये बात हो सके समझ में ना आए कि किस तरीके से यूएस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा दे, तो इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हो सके आईसीसी में कुछ लोग काम करने वाले यूएस से बिलोंग करते हो या वो यूके से बिलोंग करते हो, तो इनका जो वीजा है या इनका जो पासपोर्ट है या मे बी कोई भी ऐसा जो डॉक्यूमेंट है उसको फर्दर अप्रूव नहीं किया जाएगा, और किसी भी तरीके से अगर फंडिंग मिलते होंगे आईसीसी को या किसी भी तरीके के इनके जो मेंबर्स होते होंगे उनको अगर बेनिफिट्स मिलते होंगे तो वो सारे के सारे बेनिफिट्स को कट कर दिया जाएगा। तो वो सारे के सारे जो फॉर्म होते हैं वो सैंक्शंस के ही फॉर्म होते हैं। सैंक्शंस का बहुत जो आसान शब्दों में मतलब होता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन लगाना। तो यूएस पॉसिबली हर टाइप का रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहेगा उन सब मेंबर्स के ऊपर जो आईसीसी में काम करते हैं और जो बढ़ चढ़कर बेंजामिन नेतन्याहू के अरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि आईसीसी का कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब देशों के लिए मजबूत हैं जिन देशों का इकॉनमी या तो बैंकक्रप्ट है या तो वहां पे सिविल वॉर चल रहा। जैसा कि हम सभी को पता है कि साल 2022 से रशिया और यूक्रेन वॉर में है, तो पिछले साल आईसीसी ने व्लादिमीर पुतिन के ऊपर अरेस्ट वारंट निकाला था। उस वक्त ये वही जो बाइडेन है जो बढ़ चढ़कर आईसीसी की तारीफ करते हैं और आईसीसी का इस एक्शन को जस्टिफाई भी करते हैं, कहते हैं, और उस वक्त यूएस के एक टॉप ऑफिशियल्स बढ़ चढ़कर आईसीसी के बारे में ये कहते हैं कि आईसीसी का जो पोजीशन है इंटरनेशनल जस्टिस इकोसिस्टम में वो काफी इंपॉर्टेंट है और इस बॉडी को बचा के रखना बेहद जरूरी है। तो ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स में से कुछ एग्जांपल्स है जहां पे कोई भी ये पढ़ के समझ सकता है कि अगर कोई भी एक्शन जिससे यूएस को सपोर्ट मिलता है तो वो एक्शन जस्टिफाइड होता है, और किसी भी तरीके से कोई एक्शन जस्टिफाइड है और उस एक्शन से यूएस को अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो एक्शन गलत हो जाता है। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो हमें कुछ बातें तो बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आता है कि किसी भी तरीके से अगर यूएस हमारे बहुत क्लोज आता है तो इससे हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें कॉशियस होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूएस हमें एज एन प्रॉक्सी यूज करता है जैसा कि बहुत सालों तक पाकिस्तान को करता हुआ आया। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।